श्री नोनार धाम पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस 27 को होगा महाभंडारा। महंत गोपाल महाराज से श्योपुर शिवपुरी जिले का किया चूल से निमंत्रण। खबर करहल से है, जहां चंबल ग्वालियर संभाग में सुप्रसिद्ध और अपनी श्रेष्ठ पहचान बनाने वाले नोनार सरकार श्याम हवेली पर 7 दिवसीय श्री मद भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 20 मई से शुरू हो चुका है। भागवत कथा का वाचन श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए व्यासपीठ महाराज चैतन्य किशोर कटारे जी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि भागवत कथा के साथ ही नोनार मंदिर पर एक सांवरिया सेठ का नवनिर्मित मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 25 मई से शुरू होने वाली है। नोनार सरकार मंदिर पर एक वर्ष पूर्व श्री खाटू श्याम जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो नोनार सरकार मंदिर पर महंत गोपाल महाराज के अथक प्रयास से बहुत विशालकाय निर्माण कार्य हुए हैं, जहां पर माह कोई न कोई अनुष्ठान होता ही रहता है। इस समय यह सिद्ध स्थान आसपास से लेकर दूर दराज के क्षेत्र के नागरिकों के लिए भक्ति आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस धाम के बारे में इतनी महिमा है कि जो काम लोगों से कहीं से नहीं होते, वो काम यहां सिर्फ अर्जी लगाने से पूरे हो जाते हैं। भक्तगण ही नहीं, राजनीति की तमाम हस्तियाँ और बड़े बड़े अफसर अपनी मनोकामना लेकर नोनार मंदिर आते हैं और यहाँ से कृपा पाते हैं। व्यासपीठ महाराज द्वारा हर रोज भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान श्रोताओं को करवाया जा रहा है, जिन्हें सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध और भक्तिमय हो रहा है। धर्म और सनातन संस्कृति के साथ भागवत कथा का मानव जीवन में महत्व को सभी को समझाया जा रहा है। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। महाराज की जय। 20 तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, 27 तारीख तक वो भंडारा है। सभी से निवेदन है, खूब शीघ्र जिला जो भी है, जितने इस प्रसाद को का निमंत्रण है, सभी पधारे। 25 तारीख और 27 तारीख तक सांवरिया सेठ की पांडुचा है, जो मंदिर बना हुआ है, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म का लाभ ले। हनुमान जी महाराज नोनार सरकार पे सभी धर्म प्रेमी का निमंत्रण है, सभी पधारे और इस धर्म को लाभ लें। तो महाराज जी, क्या 25 तारीख को यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है सांवरिया सेठ की? 25 तारीख को यही सांवरिया सेठ का मंदिर बनाया है, बगल से खाटू श्याम का है, नीचे हनुमान जी का है और सिद्ध बाबा का मंदिर बनाया है। क्षेत्र के सहयोग से बनाया है, ये दुनिया का यहाँ काम बनाए नोना सरकार ने, उनने विश्वास से दान दिया है, वो विश्वास से दान से हम खड़े उतरे हमने लगा दिया है। और भंडारा का भी लोग वागर ने विश्वास से दान दिया है, तो भंडारे भी कर रहे हैं, सभी को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब गरीब आदमी आवे और ये भंडारे जो दान दिया है उसको हम दान में ही करना चाहते। महाराज जी बता रहे हैं कि जिस जब से ये भागवत सप्ताह जी यहाँ बैठे तभी से भंडारे चल रहे हैं? नहीं, 7 दिन का ये भंडारा है, जो मेन भंडारा 27 तारीख को सुपर सीपरी जिला जो भी आना चाहे वो उनके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ 7 दिन तक सब प्रकार का भोजन यहाँ जन सहयोग से हो रहा है, क्षेत्र के सहयोग से हो रहा है। 7 दिन तक जितना आदमी आ सके उतना भंडारा यहाँ हो रहा है और कृपा हनुमान जी की मात्र सिद्ध बाबा की। ये जो श्रोता जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ साधन उपलब्ध कराए गए हैं लाने के लिए? दूर दराज से के लिए कलाल से बस है और टेम्पू है, 3-3, 4-4 बस लगी हुई है और ले जाने को 5 बजे बस लगी हुई है। भोजन करा के उनको वापस छोड़ा जाता है 12 बजे, 12 बजे लाती है, 5 बजे छोड़ देती है। और इस क्षेत्र का सहयोग कर रहे हैं सभी लोग और ये कार्य सफल हो रहा है, अकेले का तो कुछ होता नहीं है। और हनुमान जी महाराज की कृपा है और सिद्ध बाबा की कृपा है और इनके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। जी महाराज जी, जो कथा आप कह रहे हैं नोनार सरकार पे, मानव जीवन में क्या महत्व है भागवत सप्ताह का? जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा नोनार धाम पर चल रही है, इस कथा को सुनना जीव के लिए परम लाभदायी है। इस प्रकार से जीवन जीने की कला रामायण सिखाती है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति की मृत्यु को मंगलमय बनाती है। जीना तो सब कोई जानते ही हैं, कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है, लेकिन मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको आनी ही है, लेकिन वो मृत्यु हमारी मंगलमय बने उसके लिए हमको श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो आके श्रीमद् भागवत की शरण में बैठ गए और 7 दिन कथा सुन के राजा ने अपना उद्धार कर लिया और राजा की मृत्यु मंगलमय हुई।
महाराज जी, आप जो नौनार सरकार पे कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है यहाँ पे लोगों? बड़ा ही सुंदर वातावरण है श्री सिद्ध बाबा की परिसर में। श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठ के, इतनी सिद्ध तपोस्थली में बैठ के कथा कहने का अनुभव बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो मैं साक्षात भगवान की गोद में बैठ के कथा कर रहा हूँ, और इतने सुंदर श्रोतागणों को कथा सुनाकर अति आनंद की अनुभूति होती है। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज का आशीर्वाद बना रहता है और सभी भक्तों की यहाँ खूब सेवा भी होती है। कथा के उपरांत प्रसादी भी सबको पाई जा रही है। सुंदर वातावरण है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, खूब खूब आनंद की अनुभूति होती है। और इन्हीं सब के साथ मानिए।